हेलो एंड वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल पे और हमारी एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्स और रिव्यू करने वाले हैं एक्सपी पेन की तरफ से आने वाली डेको O1V2 ग्राफिक ड्राइंग टैबलेट का। सो अगर आपने अभी एनिमेशन सीखना स्टार्ट किया है या एनिमेशन में आप एक बिगिनर हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, बिकॉज एनिमेशन करने के लिए आपको इस तरीके की ग्राफिक ड्राइंग टैबलेट की मदद चाहिए होती है। एंड ये बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ग्राफिक ड्राइंग टैबलेट में। सो आज के इस वीडियो में डेको O1V2 ये जो ग्राफिक ड्राइंग टैबलेट है, आज हम लोग इसको अनबॉक्स करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार कैसी बिल्ड क्वालिटी है, कितने प्राइस में मिलती है। वैसे मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहो तो वहाँ जाके परचेस कर सकते हो। बट तब भी अगर आप देखना चाहो कंप्लीट रिव्यू और कैसी बिल्ड क्वालिटी है एंड क्या कुछ आपको इस टेबल के साथ देखने को मिलता है, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाना मत भूलिएगा, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से शुरू करता हूँ। मैं वारन सिंह, ये है टेक्निकल लाइफ, चलिए शुरू करें। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले बॉक्स से। तो आप बॉक्स पे देख सकते हो ब्लू और वाइट कलर का आपको बॉक्स देखने को मिलेगा। नीचे साइड पे आपको एक्सपी पेन की ब्रांडिंग मिल जाएगी और यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप रजिस्टर करते हैं उनकी वेबसाइट पे तो आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा वारंटी मिलेगी टैबलेट पे। और इसके अलावा आप देख सकते हो डेको O1V2 यहाँ पे सामने की तरफ लिखा हुआ है और हमारे सामने एक लुक बनी हुई है टैबलेट की और उसमें एक साथ जो आपको पेन मिलेगी उसकी भी एक लुक जो है बनी हुई है। बैक साइड में कुछ हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलती है एंड ऊपर साइड आप देख सकते हो डेको O1V2 यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड इस साइड देखोगे तो आपको कुछ और स्पेसिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी जो कि आप वीडियो को पॉज करके यहाँ बड़े आराम से पढ़ सकते हो। और इससे ज़्यादा कुछ हमें बॉक्स में देखने को नहीं मिलता है। अब हम लोग इसे जल्दी से ओपन कर लेते हैं। तो जब तक हम इसे ओपन करते हैं तब तक मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप YouTube पे वीडियो देखते होगे तो आपने YouTube के कई ऐसे एनिमेटर क्रिएटर के बारे में देखा होगा, तो वो लोग भी इसी ग्राफिक ड्राइंग टैबलेट को यूज़ करते हैं एंड इसीलिए इसे काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा ऑप्शन माना जाता है जो कि बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसकी जो प्राइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने इसे परचेज किया है अमेजोन से 7,800 में। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप नया नया सीखना चाहते हो या नया नया आपने एनिमेशन स्टार्ट किया है तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और ये मतलब ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि बिगिनर्स के लिए है, तो ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए, ये आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगी। आप एक RJ बकेट लिस्ट करके एक क्रिएटर है YouTube पे, आप उनका कंटेंट देखिएगा, वो जो क्रिएटर है वो भी इसी टैबलेट को यूज़ करता है। सो आइए जल्दी से हम लोग इसे इसके बॉक्स से बाहर निकालते हैं। तो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको प्लास्टिक रिमूव करने के बाद देखने को मिलेगा एंड इसे जस्ट आपको इस साइड स्लाइड करके आपको इसे इसके बॉक्स से जो है बाहर निकाल लेना है। सो बॉक्स के अंदर कुछ इस तरीके से आपको ग्राफिक ड्राइंग टैबलेट आपकी देखने को मिल जाएगी जो कि कम्प्लीटली कवर पैक है। इसको हम लोग एक बार रखते हैं साइड में, मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिरकार बॉक्स में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। सो सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके की प्रोटेक्टेड लेयर देखने को मिलेगी जिसको आपको अपने टैबलेट के ऊपर लगा के यूज़ करना है ताकि कोई भी स्क्रैच आपके टैबलेट पर ना पड़े। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे एक स्टैंड टाइप का देखने को मिल जाएगा और इसी स्टैंड में आप अपनी जो आपके पेन की जो पिंस होंगी, जो निब होगी, उसको भी आप इसी में स्टोर करके रखोगे और पेन से जो निब निकालने वाला काम है वो भी आपका यही स्टैंड करेगा जो कि आप इसके ऊपर देख सकते हो यहाँ पे बना हुआ है। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ जस्ट आपको किस तरीके से इसको ओपन करना है। सो जस्ट साइड में आपको कुछ इस तरीके से आपको इसे घुमाना पड़ेगा, मतलब साइड वेज आपको यहाँ पे टर्न करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। कुछ इस तरीके से जैसे ही आप इसे टर्न करोगे तो ये जो है 2 पार्ट्स में जो है ओपन हो जाएगा। एंड नाउ अब इसके अंदर मैं आगे वीडियो में आपको निब दिखाऊंगा, जो पेन की निब्स मिलेंगी वो भी आप इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हो और आपको कुछ इसी तरीके से इसको लॉक कर देना है और इसी की मदद से आपको अपने पेन से जो निब्स भी हैं वो भी आपको इसी स्टैंड की मदद से निकालनी होगी और इसी स्टैंड में आप पेन लगा भी सकते हो। सो अब हम लोग आ जाते हैं अपने पेन पे। तो आप देख सकते हैं कुछ इसकी मदद से आप पूरा एनिमेशन करोगे और जितनी भी चीज़ें हैं ड्रॉ करोगे सो आपका ये पेन काफ़ी हेल्प करने वाला है। इसमें पहले से ही एक जो निब है वो लगी हुई आती है। इस ग्राफिक ड्राइंग टेबल के साथ हमें 10 पिंस या 10 निब्स जो है आपको देखने को मिल जाएंगी, एक इसमें लगी हुई होंगी और 9 आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलेंगी। तो कुछ इस तरीके का पेन आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का एंड काफ़ी सॉफ्ट सा फील होता है। एंड इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कुछ और, तो यहाँ पर हमें पेपर वर्क भी देखने को मिलता है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके।
तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको पेपर वर्क देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक थैंक यू लेटर देखने को मिलेगा और इसके अलावा आपको कुछ गाइड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, एक क्विक गाइड देखने को मिलेगी किस तरीके से आपको इसे अपने पीसी के साथ सेटअप करना है। एक वारंटी कार्ड आपको एक तरीके से देखने को मिलेगा, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है इसकी वारंटी के बारे में। सो आपको कुछ इतना पेपर वर्क देखने को यहाँ पे आपको इसके साथ देखने को मिलेगा। एंड इसके अलावा हम लोग देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है। सो यहाँ पे आपको एक ग्लव देखने को मिलेगा जिसे पहन के आपको ड्रॉ करना होगा ताकि आपका जो हाथ है वो आपकी टैबलेट से ना चिपके। और यहाँ पे इसके बाद हम लोग देखते हैं तो एक और हमें पेपर वर्क देखने को मिलता है जो कि क्विक गाइड है, जो कि आपकी हेल्प करेगा आपकी टैबलेट को आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट करने में। एंड यहाँ पे इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें केबल मिलेगी जो हमारी टैबलेट को हमारी पीसी से कनेक्ट करेगी, जो कि एक टाइप सी केबल है और हमारी टैबलेट भी टाइप सी ही सपोर्ट करती है। एंड यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं कुछ इस तरह की केबल मिलेगी। एंड इसके बाद हमें यहाँ पे निब जो है अपनी टैबलेट्स की देखने को मिल जाएंगी, जो एक्स्ट्रा निब हमें मिलती हैं, जो नॉन निब हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, और जो 10th वाली निब है वो हमारे पेन में ऑलरेडी ही लगी हुई है। एंड एक्स्ट्रा हमें 9 निब यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे आपको दो अडैप्टर देखने को मिल जाएंगे USB टू टाइप सी और USB टू माइक्रो USB के, जिसकी मदद से आप इसे अपने एंड्रॉयड फोन से कनेक्ट कर सको। सो अब मैं आपको बताता हूँ इसके पेन और इसके स्टैंड के बारे में और इसके ग्लव्स के बारे में कि आपको किस तरीके से इसके ग्लव्स को पहनना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको जो ग्लव्स है आप उसे पहन सकते हो ताकि आपका जो हैंड है ड्रॉ करते टाइम आपकी टेबल से चिपके ना और आप बड़े आसानी से ड्रॉ कर सको। एंड इसके अलावा आप देख सकते हो ये रहा इसका पेन। सो आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से आपको अपने पेन को इसके स्टैंड में रखना है। तो सबसे पहले आप कुछ इस तरीके से रख सकते हो और अगर आप चाहो तो कुछ इस तरीके से भी यहाँ पे रख सकते हो। तो कुछ दोनों तरीके से जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप इसके पेन को इसके स्टैंड पे रख सकते हो। सो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको निब को इसके पेन से रिमूव करना है। बड़े ध्यान से कीजिएगा बिकॉज काफ़ी नाजुक सी आपको निब देखने को मिलती है, अगर आप इस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो ये टूट भी सकती है। तो यहाँ पे आप पहले इंस्ट्रक्शन देख सकते हो जो जस्ट आपको कुछ इस तरीके से इसके अंदर इसके निब को यहाँ पे होल में इंसर्ट करना है एंड थोड़ा सा टिल्ट करना है और इसे पेन को पीछे की तरफ खींच देना है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसकी जो निब है इसके पेन से रिमूव हो जाएगी। एंड इंस्टॉल करना इसके निब को इसके पेन में लगाना काफ़ी ईजी है, जस्ट आपको निब इस तरीके से लेनी है एंड यहां पे इसके पेन के सामने कुछ इस तरीके से लगा के इसको पीछे की तरफ प्रेस कर देना है एंड जस्ट सिंपल आपके जो निब है आपके पेन में इंस्टॉल हो चुकी है। सो अब हम लोग इस प्लास्टिक को अपनी टैबलेट के ऊपर से जो है रिमूव कर देते हैं। एंड यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की आपकी टैबलेट देखने को मिलेगी, इस पर आपको 8 फंक्शंस की देखने को मिलेंगी जो पहले से असाइंड होंगी, बट आप इन्हें चाहो तो अपनी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो। और यहाँ पे टैबलेट के साइड में ही आपको टाइप सी पोर्ट मिलेगा जिसकी मदद से आप अपनी टैबलेट को फ़ोन या पीसी से कनेक्ट कर सकते हो। और इस टैबलेट का जो लुक है वो आपको कंप्लीट ब्लैक देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है और इस टैबलेट पे ही आपको XP पेन की ब्रांडिंग भी मिलेगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको 2 फंक्शन की इसके पेन पे भी देखने को मिल जाएगी जो पहले से असाइन होंगी पर आप उन्हें भी कस्टमाइज कर सकते हो। और इसके साथ जो एक आपको केबल देखने को मिलेगी उसे मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको कनेक्ट करनी है। सबसे पहले आपको इसको अच्छी तरीके से ओपन कर लेना है एंड इसके साइड में आपको जो मैंने पोर्ट दिखाया था और इसके केबल का आपको जो टाइप सी पोर्ट है उसको आपको यहाँ पे मैच कराते हैं, उसको आप अटैच कर देना है एंड जो दूसरा आपको USB पोर्ट मिलेगा उसको आपको अपनी PC में या आपको अपने स्मार्टफोन में अडैप्टर की हेल्प से अटैच कर देना है। और आपको अपनी टैबलेट पे इस तरह का कवर आपको देखने को मिलेगा जिसको आपको रिमूव कर देना है, उसको लगाकर यूज़ नहीं करना है। उसके ऊपर आप ऑरेंज कलर में एक वार्निंग भी देख सकते हो। उसकी जगह पे हमें कुछ इस तरीके का एक प्रोटेक्टर मिला है जिसे लगा के हमें यूज़ करना है, जिसकी मदद से हमारे टैबलेट पे एक भी स्क्रैच नहीं पड़ेगा। तो अब मैं आपको इस टैबलेट को यूज़ करके दिखाता हूँ। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ इसके पेन में आपको प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलेगा, मतलब आप जितना प्रेशर अप्लाई करोगे आपकी जो लाइन है उतनी ही डार्क और उतनी ही लाइट बनेगी। तो जैसे कि आप वीडियो में देख ही पा रहे होगे जैसे जैसे मैं प्रेशर ज़्यादा कर रहा हूँ लाइन वहाँ पर डार्क हो रही है और जैसे मैं हल्के हाथ से चला रहा हूँ पेन को तो वहाँ पर लाइन जो है वो लाइट बन रही है। तो इस तरीके का प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको मिलेगा जो कि ड्राॅइंग में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है इस टैबलेट की वो काफ़ी कमाल की है। इस टैबलेट की जो सरफेस है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है और पेन की जो निब है वो भी काफ़ी अच्छे से स्मूथली वर्क करती है। तो काफ़ी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के साथ ये टैबलेट आती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इतनी सारी निब आपको इस टैबलेट के साथ इसलिए दी गई हैं बिकॉज इसकी जो आप निब यूज़ करते हो वो टाइम के साथ जो है डिक्रीज़ होती रहती है, मतलब घिसती रहती है। एंड अब उसका क्या टाइम पीरियड है, कितनी देर में एक या कितने दिनों में एक निब ख़त्म हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं, ये आपके यूज़
उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हो, उसको आप कितना यूज़ कर रहे हो, कौन से प्रेशर के साथ यूज़ कर रहे हो, आप लाइट तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो या बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ उस निब को यूज़ कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि निब कितनी जल्दी या कितनी देर में ख़त्म होगी। इसी वजह से आपको इतनी सारी निब इस टैबलेट के साथ दी गई हैं। वैसे तो ये टैबलेट आपके पीसी आपके फ़ोन के साथ जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो वर्क करने लग जाएगी, बट मैं पीसी यूज़र्स के लिए ये कहना चाहूँगा, आपको इस टैबलेट लिए एक ड्राइवर मिलता है जो आपको एक्सपी पेन की वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उस ड्राइवर का, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हो। उस ड्राइवर के ही मदद से आप इसकी फंक्शन की को असाइन कर सकते हो, और भी इस टैबलेट के कई फ़ीचर्स होते हैं जिन्हें आप एक्सेस कर सकोगे उसी ड्राइवर की मदद से। और ये टैबलेट विंडोज 7 या 10, मैक ओएस एक्स 10.10 या उससे ऊपर के वर्ज़न, और एंड्रॉयड में 6.0 और उससे ऊपर के वर्ज़न, और क्रोम ओएस के साथ कनेक्ट हो जाती है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही आप अपने पेन से अपनी टैबलेट पे ड्रॉ करते हो तो आपको यहाँ पे एक ब्लू लाइट से इंडिकेट आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसे आप वीडियो में कॉर्नर में देख सकते हो। जैसे ही मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो ब्लू लाइट इंडिकेट हो रही है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको टैबलेट में चारों तरफ पे एक कॉर्नर मिलते हैं, वो भी आपको लाइट अप देखने को मिलते हैं। मतलब अगर आप रात में काम कर रहे हो तो आपको पता रहेगा कि इस टैबलेट का एक्सेस एरिया कहाँ तक है, तो उन जो एरो आपको देखने को मिलते हैं कॉर्नर्स में वो भी जलते हैं, मतलब उनके पीछे भी लाइट लगी हुई है। एंड एंड में जाते जाते मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सोच रहे हो इस टैबलेट को परचेज़ करने की, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी कमाल की है। एंड इसके साथ जो एक्सेसरीज मिलती हैं उनकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी कमाल की देखने को मिलती है। जो लोग कह रहे हैं कि ये जो टैबलेट है ये बिगनर लेवल के लिए है, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप बिगनर लेवल से ऊपर वाला भी अगर काम करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। बट अगर आप एक बिगनर हो और आप अभी जस्ट एनिमेशन सीख रहे हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। इससे नीचे का मैं सोचने को आपके लिए नहीं कहूँगा, बट आपके बजट के ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। बट अगर आप इसे ले सकते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है, चाहे आप बिगनर हो या उससे ऊपर लेवल पे हो। तो दोस्तों बस ये था हमारा आज का वीडियो, एंड आई होप आपको ये एक्सपी पेन का डेको O1V2 ग्राफिक ड्राइंग टैबलेट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।